हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल से 5-1 हेयर स्टाइल, जो कि आप वेडिंग में बना सकते हो, पार्टी में जा रहे हो तो बना सकते हो। कंफर्टेबल रहेगा काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी स्टाइलिश दिखेगा और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, जो कि आप वीडियो देख के अच्छे से समझ सकते हो और बना सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से आप बना लोगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइज। आप लोग की वजह से मेरे 50K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। 50K की फैमिली बन गई है अपनी यूट्यूब पर। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे सपोर्ट करोगे और मैं आप लोग के लिए इसी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल की वीडियोज़ और यूनिक और स्टाइलिश वीडियोज़ लेके आ पाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा अभी से। तो चलिए आज की जो भी हेयर स्टाइल बताऊँगी वो मैं इस डमी पर बता रही हूँ। तो इसको सबसे पहले आपको सिंपली बैक साइड के हेयर स्टाइल बता रही हूँ। फ्रंट के मैंने पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बताई हुई हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अच्छे से इसको कॉम करेंगे, देन एक आप जितना भी हाई लो मीडियम जितना आप चाहो उस टाइप से कोनी बना सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पोनी बनाई है। अब इसमें एक मैं डोनेट बन लूँगी, आप मीडियम लो बड़ा जो भी आपको जिस टाइप का आपको बन चाहिए उतना बड़ा आप अपना डोनेट बन ले सकते हो। इसमें इस तरीके से डोनेट बन को इंसर्ट कर दिया है। अब डोनेट बन में कोई क्लिप नहीं लगानी है, क्योंकि जो हमारा हेयर स्टाइल होगा वो विदाउट क्लिप के ही अच्छे से बन पाएगा। फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है अपने हेयर में से एंड इसको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है। ध्यान से देख लीजिए, आई होप कि अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा गाइस। अगर आपको डमी पे इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अच्छे से एक डमी लेके उस पर आपको अच्छे से ब्राइडल बन वगैरह शेयर किया करूँगी। तो इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है, क्लियर दिख रहा है गाइस। और डोनेट बन के अंदर से इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करना है और जो आपने ये ट्विस्टिंग बनाई है इसको सिंपली लपेट देना है। ओके, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब इसके साथ ही थोड़ा सा हेयर और लेंगे, देन इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको ट्विस्ट कर देंगे। और जब आप ट्विस्ट करके इसको मतलब इंसर्ट कर रहे हो डोनेट बन में से, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एंड पॉइंट है उसके साथ आगे दूसरी वाली ट्विस्टिंग आपको उसके साथ ही स्टार्ट करनी है। अब जैसे मैंने इस तरीके से कर दिया, इसके बाद जो हमारा ये वाला लेयर बच रहा है इसके साथ ही आप दूसरे हेयर ले लीजिए हाथ और इसको इसके साथ में ही ट्विस्टिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो आपने जो ये लपेटा हुआ है ट्विस्टिंग हेयर, ये ओपन खुलेंगे नहीं एंड अच्छे से होल्ड हो जाएगा आपका हेयर। तो यहाँ पर मैं ट्विस्ट कर रही हूँ इसको। अब पूरा ट्विस्टिंग करके इसी तरीके से सारे हेयर को ट्विस्ट कर लेंगे एंड पूरा डोनेट बन को अपने कवर कर देना है। तो पूरा करके और फिर दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितना प्यारा सा आपका बन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। पार्टी में भी आप इसको बना सकते हो। तो इस तरीके से पूरा मैंने ऊपर से नीचे तक बना लिया है। अभी क्या करना है, यू पिन से इसको सेट कर देना है स्कैल्प के हेयर के साथ, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़े नहीं। अब जो आपके बाकी हेयर बचे हैं उनको सिंपली आपस में ट्विस्ट कर लेने हैं इस तरीके से। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो गाइस। अब एंड तक करने के बाद से आपको सिंपली इसको आप इस तरीके से राउंड राउंड सा से लपेटना है और सेंटर में ही इसको सिक्योर कर देना है, जिससे कि आपका जो बन है उसका लुक और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा और बहुत ईजिली आप बना लोगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो हेयर स्टाइल। अब 3-4 यू पिन से इसको अच्छे से सेट कर देना है ताकि ये खुल ना जाए बाद में।
और जो डोनेट बन लगाया हुआ है हमने उसको भी 3-4 यूपिन से अच्छे से सेट कर दीजिए। अगर ब्राइडल के पास आर्टिफिशियल जूड़ा वगैरह नहीं है तो आप ये बन उनको बना सकते हो, जिससे कि उनका सिंपल बन भी स्टाइलिश और अच्छा दिखेगा एंड थोड़ा सा हैवी दिखेगा। यूपिन को अच्छे से सेट कीजिएगा, बिल्कुल भी यूपिन बाहर की तरफ ना निकले। और ये है फर्स्ट बन का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप कि पसंद आया हो। तो चलते हैं सेकंड बन हेयर स्टाइल की तरफ। तो फ्रेंड्स चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल भी हमारा डोनेट बन से ही बनेगा। तो पहले मैं डोनेट बन ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पे। डोनेट बन ऐड करने के बाद से इसमें आपको 5 अलग अलग चोटियाँ बनानी है, सिंपल सा रबड़ लगा लगा के इस तरीके से। तो इस तरीके से 5 अलग अलग रबर बैंड लगा लेना है, पोनी टेल बनानी है। पोनी टेल इतनी होनी चाहिए कि आपका डोनेट बन अच्छे से कवर हो जाए। तो इसमें मैं 5 डोनेट बन रबर लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से 5 चोटियाँ मैंने यहाँ पे बना ली हैं, आप देख सकते हो। तो 5 चोटियाँ बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सिंपली इस तरीके से हॉल करना है, देन इसको ट्विस्ट कर देना है। अब सारी चोटियों को इसी तरीके से, सारी पोनी टेल को इसी तरीके से ट्विस्ट कर देना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ से हेयर को निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली उनको आपको डोनेट बन के अंदर से इस तरीके से इंसर्ट करके निकाल लेना है। बहुत ही प्यारा लगेगा हेयर स्टाइल, तो ट्राई जरूर करना। ये भी हेयर स्टाइल आप दुल्हन पे ट्राई कर सकते हो। फ्रंट का कुछ और हेयर स्टाइल दे दीजिए, देन बैक में आप ये ट्राई कर सकते हो। अब जो सेंटर में हेयर आ रहे हैं उनका क्या करना है वो भी बता रही हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बना लेना है और अच्छे से डोनेट बन को कवर कर देना है, ओके, चारों तरफ से। और एक पिन से इसको सेट कर देना है। कहीं से आपका डोनेट बन दिख रहा है तो आप इस तरीके से पकड़ के दोनों को और यू पिन से इसको सिक्योर कर सकते हो। यू पिन को ऐसे लगाना है, यू पिन को ऐसे पकड़ के और स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच कर देना है। और इस साइड से देख लीजिए, कहीं से आपका ये दिख रहा है तो आपको इस तरीके से यूपिन को लेना है एंड स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच कर देना है। तो ये बहुत प्यारा सा बन गया है। अब जो सेंटर का हेयर बचा है इनको सिंपली एक चोटी बना लेंगे, ओके, साइड की चोटी बना लेना है। एंड तक पूरा चोटी को घूम लेना है। इस तरीके से राउंड राउंड लपेट के और बन के बीच में इसको सेट कर देना है। सेट करने के लिए आपको इस तरीके से यूपिन में थोड़ा सा हेयर हेयर स्टाइल का हेयर लेना है एंड डोनेट बन के हेयर के साथ सिक्योर कर देना है। अगेन इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हेयर को लेंगे और डोनेट बन के हेयर के साथ सिक्योर कर देंगे। इसको आप वेड फ्लावर बन के साथ जुड़ा पिन के साथ सजाओगे तो और भी प्यारा लुक आ जाएगा आपके बन का। तो ये देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा वेडिंग बन पार्टी में आप ये बना सकते हो। बन के आपका रेडी हो गया, वो भी बहुत इजी तरीके से आप इसको बना लोगे। तो कैसा लगा आपको दोनों हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
यहाँ पे एक पिन और लगा देते हैं जिससे कि हमारे हेयर स्टाइल का जो लुक है वो अच्छे से दिखे। दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरीके की हेयर स्टाइल देखने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस। तो आई होप कि आपको दोनों हेयर स्टाइल अच्छे लगे हों, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा आप खुद से भी बना सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको खुद मेरे हेयर पे देखना है ये हेयर स्टाइल तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं ट्राई करूँगी बनता है या नहीं बनता है। और आप किसी की हेल्प ले लोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। वेडिंग पार्टी में अगर आप कन्फ्यूज हो, आपके बाल बहुत पतले हैं, तो आप इस तरीके से डोनेट बन की मदद से ये सुंदर से दो क्यूट एंड प्यारे से हेयर स्टाइल बना सकते हो, वन हेयर स्टाइल है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।